आपने रस्सी इस तरीके से एंड तक आपने ले लेनी है सोफे के लिए। ये रस्सी आपने ले ली इस तरीके से। ये जर्सी का एक्सपोर्ट कवर है जो कि खास तौर पे इस डॉलेंस डिजाइन सोफा कम्बैट के लिए बनाया है, लेकिन नीचे से आप इसकी रस्सी को निकाल लेंगे। बेसिकली सोफा कम्बैट तो लोग परचेज कर लेते हैं, फिर बाद में उसके कवर के लिए परेशान होते हैं, तो ये आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, और इसके बाद आप चाहें तो इस सोफे के कवर को मंगवा भी सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल आपने ये करना है, इस डोरी को आपने लेना है। ये एक बेसिकली देखा जाए तो एक सिर्फ सोफे को सेव करने के लिए एक तरीका है ये। अदरवाइज सोफा कम बेड के कवर स्पेशली मार्केट से बने बनाए मिलते नहीं हैं, ऑर्डर पे बनवाने पड़ते हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और लोगों की रेंज में नहीं होते। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस रस्सी से आपने करना क्या है। आपने इस रस्सी को, जो आपका ये सोफा कम बेड होता है, आपने इसे सोफा बना के देने के बाद ये रस्सी इसके ऊपर आपने इस तरीके से चढ़ा देनी है। मैं आपको ये करके पूरी वीडियो दिखाऊंगा, प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, और फिर आपको गाइड करूंगा एक कवर किस तरह चढ़ता है। ये आपने रस्सी इस तरीके से एंड तक आपने ले लेनी है सोफे के लिए। ये रस्सी आपने ले ली इस तरीके से, उसके बाद आप इसको बना देंगे बेड। ये आपने इसको बेड बना दिया, और नीचे से इसके कवर को, ये जर्सी का एक्सपोर्ट कवर है जो कि खास तौर पे इस डॉलेंस डिज़ाइन सोफा कम बेड के लिए बनाया है, और अगर किसी के पास कोई और सोफा कम बेड भी है तो उसका बड़ा कवर भी मेरे पास अवेलेबल है, जो कि अगर हैंड वाला सोफ़ा है, हाथ वाला सोफ़ा है, अगर वो भी है तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आज कुछ स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो कुछ अलग सी है, मैंने कभी इस तरीके से कोई वीडियो बनाई नहीं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सोफ़ा का आपने सीधा कवर बिल्कुल लेना है, एक होती है उल्टी साइड, आपने सीधी साइड ले लेनी है बिल्कुल, और इसके दो एंड से, जो आप इसके चार एंड होंगे, जो कि आपने दो एंड से इसको ज्वाइंट कर देना है इस तरीके से, आपने इसको चढ़ा लेना है, लेकिन बीचे से आप इसकी रस्सी को निकाल लेंगे इस तरीके से और इसको सेट करेंगे। ये देख, ये आपने इस तरीके से रस्सी इसके ऊपर से ले लेनी है, और ये पूरा इसके ऊपर फिटेड हो जाएगा, ये कवर बिल्कुल इसके ऊपर फिट हो जाएगा। ये देखें, इस तरह आपने ये जो इसका एंड है, ये एक एंड आपने लेना है इस तरीके से, और दूसरा एंड लेना है, और ये नीचे तक बिठा देना है। और अब हम चलते हैं दूसरी साइड, इसी तरीके से आपने दूसरा एंड लेना है और सोफे को एंड कर देते हैं इसका। क्यों हमने ये रस्सी पहले निकलवा दी थी, ताकि ये बाद में अटके ना एक साइड पे। अब आपने चारों तरफ से इसकी एडजस्टमेंट करनी है, जो एंड्स हैं इसके, जो कोने उनको सेट करना है आपने। ये देखें, इस तरीके से ये एंड तक कोने सेट कर देंगे। कोने सेट होने के बाद आप इसको बिल्कुल फिक्स बिठाएंगे इसको, कि इसकी एडजस्टमेंट करेंगे ताकि खूबसूरत एक लुक दे कवर चढ़ने के बाद। बिल्कुल, जब कवर चढ़ जाएगा इस तरीके से, तो बैक साइड का कवर भी आपने इसी तरीके से पूरे एंड टू एंड इसको सेट करना है। दिखाएं यहाँ से ज़रा वीडियो में, ये देखें इस तरीके से ये भी पूरा सेट हो गया यहाँ से, और दूसरी साइड दिखाएं इनकी, और ये देखें आपने दूसरी साइड भी इसी तरीके से सेट कर लेनी है। ये हमारा बेड बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इस रस्सी को जो हमने इस पे बांधी है, दोनों एंड से पकड़ना है और रस्सी को नीचे से इसके जॉइंट पर लेकर आना है, जो इसका जॉइंट है। यहाँ दिखाएं जरा कैमरे को, ये देखें इस जॉइंट पर आपने लेकर आना है इस रस्सी को। इसी तरीके से आपने टाइटली देखना है कि दूसरे जॉइंट पे भी ये रस्सी बैठी हो, ये रस्सी दूसरे जॉइंट पे भी बैठनी चाहिए, ये जो आप जॉइंट देख रहे हैं। तो आपने उस साइड से भी, आपने एक साइड से बिठा ली, अब आपने दूसरी साइड से भी चेक कर लेना कि दूसरे एंड से भी ये रस्सी इसी तरीके से ये बैठी हुई हो। आप सिंपली इसको बिल्कुल आपने टाइट कर लेना है, बिल्कुल प्रेशर दे के, आपने इसको टाइट करना है। ये देखें, ये टाइट कर लेने के बाद आप इसको बिल्कुल सेकंड गिठान इस तरीके से बांध देंगे। अब क्या होगा, जब ये बेड बना हुआ है तो ये सोफ़ा उठेगा नहीं, ये सोफे का कवर अदरवाइज ये उठ जाता, क्योंकि देखा जाए तो इसका कवर बना बनाया आता नहीं है मार्केट में।
इसको इसलिए इस कवर के तरीके से बनाते हैं कि ये कि आपका सोफ़ा सेव हो जाए। बेसिकली सोफ़े जो होते हैं हम मेहमानों के लिए कभी इस्तेमाल होने के लिए रख रहे होते हैं और रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए रखे हुए होते हैं, जब मेहमान आते हैं, जब आप इसको हटाते हैं तो एटलीस्ट आपका सोफ़ा सेव रहेगा। अब क्या है, आपने इसको जब रिलैक्सर बनाना है तो ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, कवर हटेगा नहीं। कवर जब नहीं हटेगा तो आपका ये सोफ़े के वो बुरा नहीं लगेगा। हाँ, मैं ये बात ज़रूर मानता हूँ ये वाइट कलर की डोरी इस पर बुरी ज़रूर लग रही है, लेकिन जब इसको सोफ़ा बना देंगे तो फिर इसके बाद इसको आप एडजस्ट कर लेंगे। अदरवाइज इस तरीके से आपने इसको सोफ़ा बना लिया और देखें ये कवर इस वक्त बिल्कुल परफेक्टली अपनी पोजीशन पे चढ़ चुका है, कहीं से ऐसा फील नहीं हो रहा कि ये कोई ख़राब कवर या बुरा लग रहा हो। तो ये जर्सी का कवर है। उसके बाद आपने ये डोरी मैंने बड़ी रखी थी, उसके बाद डोरी को आप अपने हिसाब से बैक साइड पर डाल दें और इसको एडजस्ट कर लेंगे। जब इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, ये देखें, इस तरीके से जब एडजस्ट करेंगे तो ये डोरी भी छुप जाएगी। ये देखें, तो व्यूअर्स ये देखा आपने ये सोफ़ा किस तरीके से, ये बिल्कुल कवर इसका सेट हो चुका है। इस सोफ़े के कवर की कीमत है 1500 रुपये, कराची में बाइके के ज़रिए डिलीवरी की जाती है जो कि 250 रुपये है। असल में सोफ़ा के कम बैट के जो कवर हैं वो बने बनाए नहीं मिलते और ऑर्डर पे बनाते हैं जैकार्ड फैब्रिक के अंदर, बिल्कुल सेम एज इट इज़, तो 5000 रुपये कॉस्ट आती है उसकी। इसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये रखी है और 250 रुपये कराची में बाइके के डिलीवरी चार्जेस हैं। और बाकी दूसरे शहरों में अगर कोई मंगवाता है, कराची से बाहर कहीं ऑर्डर करता है, पाकिस्तान में कहीं भी, तो 500 रुपीज़ कुरियर के एक्सपेंस आते हैं। कहीं बहुत सारी जगहों पे लाहौर कहीं अगर भिजवाते हैं तो कहीं 400 आते हैं, कहीं 500 आते हैं, कहीं 450 आते हैं, तो एक लिमिटेड हमने रखा है, एक 500 रुपये अदर सिटीज़ के अंदर डिलीवरी चार्जेज आते हैं। कराची में बाइकी आप तक डिलीवर कर देता है, 250 रुपये डिलीवरी चार्जेज आते हैं और 1500 रुपये का ये कवर है सोफ़ा कम बैट का। इसी तरीके से बताता चलूँ कि मेरे पास बड़े डिज़ाइन के सोफ़ा कम बैट के कवर भी अवेलेबल हैं जो हाथ से हाथ तक 7 फिट होते हैं। चाहे आपने पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी सोफ़ा कम बैट लिया हुआ, उसका कवर मेरे पास मिल जाएगा। जो तरीका मैंने आपको बताया, अगर ये फॉलो करेंगे तो आप आराम से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपकी असल जो चीज़ है वो आपकी सेव रहेगी। आप देख रहे हैं पूरे एंड तक आ रहा है ये, तो कहीं से भी कहीं ये चीज़ बुरी नहीं लग रही। बहुत शुक्रिया, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शर्जील प्रिंट वाला साइनिंग ऑफ। प्रिंटेड टेक्सचर्ड है इसके ऊपर ना, ये जर्सी के ऊपर ये टेक्सचर्ड बना हुआ है, ये आप देखें इसका ऐसे लुक आएगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा सोफ़ा पे लगने के बाद। ठीक है, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, शाह फैसल कॉलोनी से आपके ऑर्डर का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह चेक करके पैकिंग वगैरह कर रहा हूँ, बिल्कुल हर चीज़ को चेक किया गया कि कहीं से कोई चीज़ में फॉल्ट ना हो, फिर आपको भिजवाया जाता है। हमारा हर ऑर्डर इसी तरीके से परस्यू किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपके ऑर्डर का। 3 सीटर और 1-1 सीटर के दो दो, तो टोटल 5 सीटर का आपका ये ऑर्डर है। इंशाल्लाह ये आज आपके पास पहुँच जाएगा।